अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 15, चैप्टर नंबर 13, स्पोर्ट एंड मूवमेंट में जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या है? जॉइंट इज ए लोकेशन, ठीक है, ऐसी लोकेशन है, ठीक है, एट विच टू और मोर बोन्स मेक कॉन्टैक्ट, दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ जहाँ पे क्या करती हैं, अपना रबता कायम करती हैं, जुड़ती हैं, वो पोजिशन क्या कहलाती है, जॉइंट कहलाती है, जैसे कि यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, वो पोजिशन बोन्स में जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में जुड़े, वो पोजिशन क्या कहलाती है, जॉइंट्स कहलाती है। अब आप लोगों को जॉइंट्स के फंक्शन मालूम होने चाहिए कि व्हाट इज़ द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी। नंबर वन, जॉइंट अलाउस मूवमेंट, ये मूवमेंट में आपकी बॉडी की मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और मैकेनिकल सपोर्ट भी आपकी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सो जॉइंट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड मूवमेंट टू द बॉडी, ठीक है जी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ टाइप्स की, इनको जॉइंट्स को अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ मूवमेंट हम क्लासीफाई करते हैं इंटू थ्री टाइप्स। इनकी मूवमेंट के लिहाज से इनकी क्लासीफिकेशन की गई है, इनकी तकसीम की गई है कि किस लिहाज से ये मूव करते हैं। तो उस तकसीम में सबसे पहली जो टाइप है वो कहलाते हैं इमूवेबल जॉइंट, ठीक है जी, वो जॉइंट जो मूव ना करते हो, ठीक है, टोटली इमूवेबल, जो बिल्कुल ही अपनी जगह पे फिक्स्ड हैं, जैसे कि आपकी स्कल के अंदर जॉइंट्स हैं डिफरेंट किस्म के, जो फिक्स्ड हैं, जो मूव नहीं करते, और से उनका काम सिर्फ प्रोटेक्शन है आपके ब्रेन की, तो वो जॉइंट क्या कहलाते हैं, फिक्स जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट्स। उसके बाद सेकेंड जो टाइप है वो है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है जी, जिनके अंदर स्लाइट मूवमेंट होती है, थोड़े मूव करते हैं, जैसे आपकी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, जिनके हड्डी के मोरे हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन टाइप है वो है मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स जो अलाउ करें मूवमेंट को इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है जी, वो आपकी बोन्स को तमाम डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, ठीक है। इसको आगे मजीद हमने क्लासीफाई किया है दो ग्रुप्स के अंदर, एक है हिंज जॉइंट्स, एक है बार एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब जो हिंज जॉइंट्स हैं ये मूवमेंट शो करते हैं ओनली वन प्लेन, लाइक हिंज ऑन ए डोर, जैसे दरवाजे पे उसका पलड़ा मूव करता है एक सिंक में, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल है वो आपके एल्बो जॉइंट्स हैं और हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट्स हैं जो इसकी मेन एग्जाम्पल है, ठीक है। नी जॉइंट्स हैं आपके नी के जॉइंट्स, ये सिर्फ एक सिंक में मूव करेंगे, ठीक है, ओनली इन वन प्लेन, दे कैन मूव ओनली इन वन प्लेन लाइक इन जोन ए डोर, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी टाइप है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, द जॉइंट्स विच अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसकी एग्जाम्पल जो है आपके पास हिप जॉइंट्स हैं जो तमाम डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। हाँ जी, तो आफ्टर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हम अब नेक्स्ट टॉपिक जो देखने जा रहे हैं वो मसल एंड मूवमेंट, ठीक है जी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है आपके स्केलेटल मसल्स जो हैं वो अटैच होते हैं आपकी बोन्स के साथ, ठीक है। अब उनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, इनका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो दो हिस्सों में हमने उसको स्टडी करना है। एक जो हिस्सा है उसका जो हमेशा, ठीक है, मसल्स का एक पार्ट जो ऑलवेज ज्वाइन होता है विद मूवेबल बोन, जो एक मूवेबल बोन के साथ अटैच होगा, सॉरी इमूवेबल बोन के साथ अटैच होगा, जो हड्डी मूव नहीं करती, यानी कि इमूवेबल बोन, जैसे आपके शोल्डर बोन, ठीक है, वो हिस्सा मसल्स का जो इमूवेबल बोन से ज्वाइन होता है वो क्या कहलाता है, वो उसका ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन मीन स्टार्ट, जहाँ से मसल्स स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन है वहाँ से। दूसरा हिस्सा हमेशा ज्वाइन होता है सर मूवेबल बोन, ठीक है, जो हड्डी आपकी मूव कर सकती है, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, इंसर्शन का नाम दिया जाता है, ओरिजिन एंड इंसर्शन, ठीक है। वन एंड ऑफ स्केलेटल मसल ऑलवेज ज्वाइन विद ए इमूवेबल बोन, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, और दूसरा जो एंड है वो मूवेबल बोन से जुड़ा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इंसर्शन। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि मसल्स जो है बोन्स के साथ किसकी हेल्प से जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे दो जो है टर्म स्टडी की जाती है, एक को हम टेंडन्स और लिगामेंट्स कहते हैं। टेंडन्स क्या है, ये बैंड्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के, टफ बैंड्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के, ये अटैच करते हैं मसल्स को बोन्स के साथ, ठीक है। टेंडन्स आर द टफ बैंड्स
और कनेक्टिव टिश्यू विद जॉइंट मसल विद बोन्स, मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ेंगे, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं लिगामेंट्स की। लिगामेंट्स जो हैं ये भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स हैं एंड दे जॉइन, ठीक है, बोन विद बोन एट जॉइंट्स। जॉइंट्स पे हड्डियों पे दो हड्डियों को आपस में क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ये दो जो है यहाँ पे हमने टर्म्स पढ़ी। इसके बाद हम बात करते हैं हाउ स्केलेटन मसल्स मूव, के उनमें मूवमेंट कैसे होती है। स्केलेटन मसल्स, स्केलेटन मसल्स जब भी मूव करते हैं वो अपोजिट मूवमेंट होती है, ठीक है, अपोजिट मूवमेंट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटागोनिस्ट मसल्स। इस पेयर को ऑलवेज, जितने भी स्केलेटन मसल्स हैं ये दे आर ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब एंटागोनिज्म क्या है, द प्रोसेस इन विच वन मसल्स कॉन्टैक्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं इस प्रोसेस में बाइसेप मसल्स कॉन्टैक्ट कर रहा है एंड ट्राइसेप मसल्स रिलैक्स, यानी कि एक मसल कॉन्टैक्ट करे और दूसरा रिलैक्स करे, और उसी वक्त दूसरे प्रोसेस में वो पहला मसल जो था वो रिलैक्स करे और दूसरा मसल्स कॉन्टैक्ट करे, इस फिनोमेनन को हम कहते हैं एंटागोनिज्म। तो जितने भी स्केलेटन मसल्स हैं दे ऑलवेज वर्क इन द फॉर्म ऑफ एंटागोनिस्ट मसल्स, ठीक है, एंड डू अपोजिट जॉब, ठीक है। एक टाइम में जब एक मसल कॉन्टैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा, जब दूसरा रिलैक्स करेगा तो पहला मसल क्या करेगा, वो कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है जी। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स की। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं कि वो मसल स्केलेटन मूवमेंट में, ठीक है, दो किस्म के मसल्स हैं, एक को फ्लेक्सर मसल्स कहते हैं, एक को एक्सटेंसर मसल्स कहते हैं, ठीक है। फ्लेक्सर मसल्स क्या करते हैं, ये बेंड कर कॉन्ट्रेक्शन, जब जैसे ये आपका बाजू है, जब ये जो मसल्स कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, और आपका जो बाजू है बेंड हो जाएगा एट जॉइंट पे, ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ये मसल्स क्या कहलाते हैं, जो कॉन्ट्रेक्शन में मदद देते हैं फ्लेक्सर मसल्स, और इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं फ्लेक्शन का। अब वो मसल्स जो इसके अपोजिट वर्क करेंगे और हमारे जॉइंट को स्ट्रेट कर देंगे, स्ट्रेटन द जॉइंट, हमारे जॉइंट को क्या कर देंगे, स्ट्रेट कर देंगे, वो मसल्स क्या कहलाते हैं, वो एक्सटेंशन मसल्स कहलाते हैं, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं एक्सटेंशन। अब एंटागोनिस्ट मसल्स की या फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की जो एग्जांपल है हमारी बॉडी में वो बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स हैं जो अपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है। बाइसेप मसल्स जो है जब आपकी बाजू, जब आप जॉइंट पे बाजू को मूव करवाते हैं, ये कॉन्टैक्ट करते हैं और आपके जो है जॉइंट को बेंड करते हैं, ठीक है, और जो है बाइसेप मसल्स क्या होता है वो कॉन्टैक्ट हो जाता है, ट्राइसेप मसल इस पर रिलैक्स है, ठीक है। और इसके बरक्स जो ट्राइसेप मसल्स हैं, जब हमने बाजू को स्ट्रेट करना होता है, सीधा करना होता है, तो ये कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है, और हमारा जो है बाइसेप मसल्स क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। इस तरह से बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स एज ए फ्लेक्सर और एक्सटेंशन मसल्स हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी मजीद डिटेल है इस टॉपिक के हवाले से वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आप स्कूल आके भी बात कर सकते हैं, तो मैं और सर सआदत आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर मौजूद हैं इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।